हेलो हेलो हेलो, आज गार्डनिंग डे है। मम्मी अभी काम पर आई है और गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर रही मम्मी, उन सबको बताओ। अरे वो लाया जब से लगाया है नहीं ना, टाइम ही नहीं था तो आज यही कर रही मैं। पहले फोन लेते इसका मट्टी। हमारे पास कोई हथियार वथियार नहीं है करने का, इसके चमचे इसका हथियार टूल्स। मेरे फेवरेट है, मेरी प्यारी नारायण कृष्ण जैसी, कृष्ण के जैसी कितना सुंदर है ना। मुझे बहुत पसंद है। चला लगाती हूँ मम्मी पे। इसको ना तुलसी को कोई भी घर को जान होता है ना, इसको हम तुलसी को लगाते हैं तभी भी पैर पड़ने का। अच्छा पूरे पड़े तो हमेशा पेड़ लगाने का काम मम्मी का ही होता है। मैं सोच रही थी कि दोनों सेम गमला। अरे रहने दे यार, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नया कहा नया रहने चाहिए जो है वो उसी में। ये स्क्वायर अच्छे लगते ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो बारिश का टाइम में देखेंगे। हाँ तभी बारिश में तो हमारी गार्डनिंग का ये होता है ना समय। अच्छा आप एक जाना साथ, ठीक है हम जुगाड़ू काम करते। टूल्स नहीं है तो हम घर के चमचों से करते। ये बचपन से ना, सच बोले तो मम्मी यही चमचा लेके कर है ना मम्मी। बचपन से यही चमचा लेके तुम हमेशा करते। ये हमारे बचपन का चमचा, इसे ही बहुत बार मार का है मैंने और मेरी बहन। ये टेढ़ा होने का कारण ही है। मैं और मेरी बड़ी बहन ने बहुत मार खा है उससे। इससे ये टेढ़ा होने का कारण ही हुई। बच के रहना नन्नी, बचपन में मस्ती करते थे, अब भी क्या करेंगे। चलो तो ये बच्चे मट्टी पानी समझा देती। मैं तो गर्मी में कितना भी पानी डालो कम ही लगता ना। वो स्नेक प्लांट को नहीं चाहिए, वो एक ही पत्ता था, पता है ना कितना पत्ता है उसमें। एक ही पत्ता को रखी थी येलो वाला, ये स्नेक प्लांट है। ये इसको एक ही पत्ता था, एक ही पत्ता था। इसमें अभी आ गए कितने, चार हो गए, चार हो गए। ये पांच छोटा सा भी आ रहा है। करो करो। अरे नीचे वो मिट्टी को भी निकालना है। कौन सा? ये जब कर दोगी ना, जब बाहर दो ना, तभी ऐसे रखूं। अभी आप पेपर में पोंछ दे, नहीं तो अभी पूरा गंदा होगा। चल लेके आ पानी, जा। मैं छोड़ा, आप जाओ अंदर, मैं धो दूंगी। हेलीकॉप्टर जाओ जाओ। आपे आपे काम लगा दी मैंने लगाया। हाँ। मैंने कहा लगाया काम, पता है कपड़े वपड़े बिखरे हुए हैं, अभी काम चल ही रहा है। कपड़ा अभी तक धोया नहीं? नहीं वो कंफर्ट में है। मुझे पानी दो, ठीक है हाथ दो और मुझे पानी दो, मैं जाके धोती हूँ। जल्दी 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 जल्दी।
चलो आज का सब्जी दिखाते हैं। अभी मैं रोज आपको सब्जी दिखाऊंगी जो मम्मी मुझसे काट के लेके जाती है। तो आज हम मेरे लिए गिफ्ट में आया है सूरत। आज है सूरन, आज कम है। मम्मी बोल रही है कि सैटरडे है ना, कल आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आज दो दिन तो नॉन वेज और बाहर का खाना ऐसा होता है, तो क्या बोलते हैं ना, आज सब्जियां नहीं है, तो रोज़ बहुत ज़्यादा सब्जियां होती है। सबसे ज़्यादा क्या सब्जियां खाते हैं पता है, भिंडी, टेंडली और बीन्स और कैबेज, ये सबसे ज़्यादा आता है। ये चार सब्जियाँ सबसे ज़्यादा आती है। और कौन सा आता है? हाँ उतना ही आता है। और कौन सा आता भी है क्या? और वो उसका नाम नहीं आता मुझे। अरे वो पतला वाला क्या है मम्मी? पापड़ी, पापड़ी वो भी बहुत आता है। ये पांच सब्जियां हमेशा आती है और सबसे ज़्यादा आती है तेंडली, पापड़ी और बीन्स, वो सबसे ज़्यादा आती है काटने को, वही काटते रहती हूँ। इसीलिए मेरा नाइफ स्किल बहुत अच्छा हो गया, तो फटाफट काट पाती हूँ, एकदम परफेक्ट काट पाती हूँ, है ना मम्मी? मम्मी काम पर बारीक नहीं काट पाती, एकदम बारीक बारीक, मैं एकदम बारीक बारीक काट के देती तो उनको ना खाना पकाने में ना जल्दी जल्दी हो जाता है, नहीं तो पकने को भी वक्त लगता है, तो मैं एकदम ऐसा बारीक बारीक पतला पतला काट के देती हूँ, है ना मम्मी? बाथरूम में ना हमारे सुनाई नहीं देता, समझ, बाथरूम में नल चालू रहेगा ना तो सुनाई नहीं देता। मैं बोल रही थी मैं बारीक काट के देती हूँ, इसका फटाफट पकता है ना। अब घर में बैठे बैठे तेरे को तो काम देना ही है ना, वो बोल रही हूँ ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मान ले। अरे लाइट वाइट सब चालू, अरे ऐसा मम्मी करती, मैं वहाँ खाना बनाती रहती हूँ तो मम्मी बोलती लाइट क्यों चालू, अरे खाना बना रही हूँ। अच्छा और क्या क्या है? ओ ओहो, आई चॉकलेट्स, ये इंडिया की नहीं है? हाँ बाहर देश की है, दो दो चॉकलेट मिलता है, बाहर देश की चॉकलेट्स आई है। लिंडेट डबल लाटे इन वापस मिल्क चॉकलेट, दो दो चॉकलेट्स आए, वाह मस्त मस्त। आरती आंटी गई थी ना रे, मैं बोली ना। हाँ वो न्यूजीलैंड गई थी मम्मी के काम वाले घूमने गए थे, तो उन्होंने हमें दो दो चॉकलेट्स दिए, थैंक यू थैंक यू। इसका रैपर संभाल के रखना, मेरे फ्रेंड्स बहुत संभाल के रखते हैं रैपर, पर मैं कभी नहीं करती हूँ। इतना चॉकलेट आया होगा। हाँ मैंने नहीं किया, अलग अलग फ्लेवर, विदेशी चॉकलेट है ना, बहुत खाए मम्मी के काम वाले चॉकलेट ने, विदेशी चॉकलेट काके नानी इतनी मोटी हो गई है। हाँ ऐसे नहीं, मम्मी भी लाती है मेरे लिए, अभी फ्रिज में रख देता है, किसी मेल्ट होगा, मेल्ट हो जाएगा, नहीं हो रहा है, कड़कती है, ये वाला मेल्ट हो रहा है, ये ब्लू वाला, ये नहीं हो रहा है। तूने ब्रेड लाया था? नहीं। वो क्या है? पास्ता, पास्ता बनाएंगे कभी, मम्मी बोल रही थी उस दिन पास्ता बनाएंगे, अभी तो बना ही लिया। नानी घर में काम रहता ना नानी, आज मैं चलती आई थोड़ा कुछ तो बना। अरे दोपहर को नहीं, शाम को बनाते हैं। तो मेहमान है ये घर में, दुबई से आया है, वहाँ से एक चॉकलेट भी अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन बता रही हूँ उस घर में मेहमान है चार दिन के लिए, उधर जल्दी जाना पड़ता है, पता नहीं अभी तक तो एक चॉकलेट आया नहीं, आएगा तो पता चलेगा। आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। सेम जब ये जो आज जिन्होंने चॉकलेट दिए ना आरती आंटी, वो जो हमेशा जाते हैं ना, हमेशा चॉकलेट लाते हैं, वो जब भी जाते हैं ना हमेशा हमारे घर पे चॉकलेट आता है, वो हमेशा मम्मी के लिए चॉकलेट कुछ ना कुछ मेरे गिफ्ट लेके आते हैं। एक बार मुझे वो कहाँ का था, वो स्पेन का था क्या, वो स्पेन के कहीं तो कोई तो बॉडी कोई तो कंट्री गए थे, वहाँ से मुझे एक ड्रेस लाया था और बैग लाया था, वो बैग मैंने यूज़ कर करके, मैंने बहुत साल यूज़ किया उसे, दो तीन साल यूज़ करके उसके बाद फेंका मैंने उसे, और क्या बोलते हैं ना ड्रेस अभी भी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी है। बीट रूट पिसा है ना तूने? यस। तो ठीक है चलो, चावल लगा दे, बीट रूट भाजी बनाते खाते, ठीक है चलो। आज हम बना रहे बीट रूट की सब्जी, उसके लिए हम लेंगे एक चम्मच तेल, ये मिनी चम्मच है छोटा सा, मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा राई, बहुत टेस्टी राई ये सब्जी बनती है,
लेडीज लोगों को खून का काम ही हमेशा प्रॉब्लम होता है, ये भी टोटका बाजी खाने से बहुत अच्छा चेहरा भी खिलता है और ऊपर से खून भी बनता है। बीटरूट का भाजी हमेशा कोई खाता नहीं होगा, तो इस तरह बनाएंगे तो आप ज़रूर सब लोग खाएंगे। इसमें डाल देते हैं लहसुन कटे हुए, फिर कड़ी पत्ता, मुझे नहीं लगता है नॉर्थ इंडियन कोई बीटरूट का सब्जी जास्ती खाते हुए। मैं इस तरह बनाती हूँ, आप बनाएंगे तो ज़रूर आप पसंद करेंगे, सब लोग पसंद भी आएगा। ये मैंने डाल दिए अनियन, दो अनियन लगभग बारीक कट करके, मैंने हर जगह अलग अलग भाजी बनाते रहती हूँ, कभी आपने बनाया नहीं होगा महाराष्ट्र का टाइप और ये ऐसे तमिल लोगों का टाइप, बहुत सारे ऐसे कि सिंधी कन्नड़ा वो लोगों का टाइप वैसे, तो मैं जब भी इसीलिए मुझे याद रहता है कि हर घर पे अलग अलग भाजी बनता है, सब लोग हाँ एक ही तरीक़ा से सब घर पे भाजी नहीं बनता है ना, सब लोग अपने भी घर पे आप एक तरीक़े से ही भाजी बनाते होंगे क्योंकि ट्रेडिशनल रहता है और किसी किसी को ये ऐसे ही खाने का रहता है, ये भाजी ऐसे ही बनेगी ऐसा सोच रहता है, उसको चेंज करने का जैसे मैं ऐसे बनाती हूँ। ये अभी कांदा फ्राई हो रहा है, इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा हल्दी, जितना चाहिए रहेगा आपको तो पता है थोड़ा सा ही लगेगा इसमें, और ये चिल्ली पाउडर, बीटरूट ना स्वीट रहता है इसीलिए हम इसको दो चम्मच चिल्ली पाउडर डालेंगे, तिक्का होना चाहिए क्योंकि बीटरूट ऑलरेडी एक स्वीटनेस देता है, तो हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पे जब स्लो रखेंगे गैस पे इसको मसाला को भुनेंगे तो इसका अच्छा फ्लेवर आता है, तो धीमी आंच में हम इसको भुनेंगे थोड़ा टाइम। ये आप देख सकते हैं भुन गए, तेल भी छोड़ दिया है अनियन भुन के, इसमें थोड़ा सा अभी जीरा पाउडर डाल देते और इसमें कटे हुए टमाटर लगभग एक टमाटर बड़े, अभी थोड़ा टाइम इसको भून के हम डाल देंगे इसमें बीटरूट। ननी ने बीटरूट किसकी रखा है इस बर्तन में, ये डब्बे में रखा है, देख सकते इस तरह किसकी इसको बीटरूट को रखा है, तो इसमें डाल देती हूँ मैं बीटरूट। अभी अभी इसमें डाल देती हूँ मैं नमक स्वाद अनुसार, अभी मैं इसको हिला के इसको ढक्कन लगा के बंद कर दूंगी, अच्छे तरह से पूरा वो कांदा टमाटर वो सब मसाला इसमें मिक्स होना चाहिए। गैस धीरे यदि स्लिम यानी बारीकी रखी है धीमी आंच पे, ये मैंने अभी मिक्स कर दिया है, अभी मैं इसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ, बीच बीच में देखते ही रहूंगी 10 मिनट के लिए, बीच बीच में देखते रहेंगे खोल के। अब ये सब्जी हो गया है, आप देख सकते पक गया, सूख गया है, पक के एकदम सूख गया है, क्वांटिटी जितना डाले थे उससे आधा हो गया है अभी। ये बहुत टेस्टी बनता है, इसको कोई ज़रूरत नहीं इसको इसके अंदर कोकोनट डालो या पीनट्स डालो, ये ज़रूरत ही नहीं है, वैसे सिंपली ये बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। अब ये डाल देंगे कोथमीर थोड़ा सा, ये हो गया हमारा यम्मी टेस्टी बीट रोट की सब्जी।
ये हमने अभी ले लिया राइस, उसके साथ ये बहुत सब्जी। अब ये रोटी का साथ भी खा सकते हैं, मुझे तो ये राइस का साथ ही बहुत पसंद है, ऐसे मैं खा लेती हूँ। हमने दो दिन से कंटिन्यू रोटी खाया, इसलिए आज हम खड़े राइस इसके साथ। तो काकड़ी रख दो, काकड़ी रखो, दो तीन स्लाइस रखो, रखो नानी के लिए हमेशा देती हूँ काकड़ी, वो खाती नहीं है लेकिन अचार इसमें से देना नानी, छोटा अच्छा, मोटा वो मत खोलना अभी। नींबू का ये किसका मिक्स है, मिक्स खत्म होने आ रहा है। हाँ वो खाली कर दे, रख के क्या करेगी, थोड़ा सा ये लेमन का ही अचार है। ओहो मेरा मुँह में पानी आता है, बस हो गया ना। ये तो हमारा दो तीन काकड़ी हमारी लंच, सिंपल सादा हमारा ऐसे ही यार, इससे भी पेट भर जाता है, हमें बहुत पसंद है ऐसे सिंपल ही खाना। वैसे मैं अभी ये चपाती के साथ खा रही हूँ ये सब्जी, दोपहर को तो राइस के साथ खाई थी, अभी चपाती के साथ खा रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आपको टेस्टी अच्छी लगेंगे।